सुनो, तो सबसे पहले आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से आज झारखंड राज्य की 3.25 करोड़ जनता को एक संदेश देना चाहेंगे कि आखिर झारखंड राज्य का गठन किस उद्देश्य के साथ हुआ था। कोई राज्य अगर नया बनता है तो उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार कार्य करती है। लेकिन आज जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस राज्य का गठन हुआ था, चारों तरफ से सरकार, इससे पूर्ववर्ती सरकारें विफल नजर आ रही हैं। इससे पहले आज 8 महीने से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग जहाँ जहाँ गए, सरंडा के अगर जंगलों में गए तो वहाँ अवैध रूप से वनों के लकड़ियों की कटाई हो रही है। अगर धनबाद के कोयला क्षेत्र में गए तो अवैध रूप से अरबों का कोयला का कारोबार किया जा रहा है। कल गुमला क्षेत्र से आए, वहाँ बॉक्साइट का अवैध कारोबार चल रहा है। यानी चारों तरफ से झारखंड का लूट चल ही रहा था। इसी बीच एक बहुत बड़ी साजिश, गहरी साजिश, सोची समझी साजिश के तहत भाषाई अतिक्रमण, ये आंदोलन जो इसका आगाज ही हुआ था भाषा को लेकर, आज पुनः हम लोग फिर वहीं आकर खड़े हो गए, भाषाई आंदोलन। कोई भी राज्य बनता है उस राज्य का सृजन का आधार होता है। आज अगर भारत देश की बात करें तो 1953 में सबसे पहले दो राज्य आमने सामने आए थे, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु तमिल भाषा के लिए सुरक्षित किया गया और आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के लिए। यानी भारत का जो पहला राज्य बना अलग हिंदुस्तान बनने के बाद, वो भाषा के आधार पर ही बना था। यानी भाषा का महत्व होता है। 1960 में फिर दो बड़े राज्य आपस में टकराते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात। उस समय बॉम्बे राज्य हुआ करता था। बॉम्बे राज्य दो भागों में बढ़ जाता है, एक महाराष्ट्र बनता है और एक गुजरात बनता है। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े स्पष्ट कहते हैं कि जो नए राज्यों का गठन किया गया उसका मैक्सिमम आधार था भाषा, संस्कृति, परंपरा। उसी उद्देश्य के साथ अलग झारखंड राज्य बना था कि यहाँ की भाषाओं को संरक्षित किया जाएगा, यहाँ की संस्कृति को विशेष संरक्षण दिया जाएगा। लेकिन चूंकि राज्य बनने के बाद यहाँ के हुक्मरान रहे या फिर यहाँ सरकार में बैठे लोग रहे, उन्होंने केवल अपनी सुनी, इस राज्य की कोई सुधि लेने का प्रयास नहीं किया। आज उसी क्रम में मैं सबसे पहले जो भी भाषाएं ऐड की गई है उन भाषाओं का एक भाषा के नाते सम्मान करता हूँ। भोजपुरी हो, मगही हो, उर्दू हो, अंगिका हो, एक भाषा के नाते मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन वो भाषाएं मेरे राज्य की नहीं है, अतः मैं अपने राज्य में अंगीकृत अविच्छेद्य और मातृभाषा के रूप में मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे राज्य का निर्माण ही हुआ था, यहाँ के लोगों के तबके के जो नीचे हैं उन्हें विकास करना है, उसमें भाषा भी महत्वपूर्ण आधार होती है। जिस प्रकार कश्मीर में सेव लगता है, किंतु वही सेव अगर हम तमिलनाडु और केरल की माटी में लगाने जाएंगे तो वहां फिट नहीं बैठता है। यानी मिट्टी के अनुसार फसल लगते हैं, मिट्टी के अनुसार भाषा का सृजन होता है। और झारखंड राज्य की माटी में भी बहुत सारी भाषाओं ने जन्म लिया है, जिनमें कई जनजातीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं। लेकिन उसके बावजूद वर्तमान में जो परिस्थिति देख रहे हैं भाषाई अतिक्रमण को लेकर, लगातार बिहार और यूपी राज्य की भाषाओं को, कभी कभी बंगाल की तो कभी उड़ीसा की भाषाओं को यहाँ थोपने का प्रयास किया जाता है। इससे क्या होगा कि झारखंड की संस्कृति पतन होगा। और किसी भी व्यक्ति को अगर समाप्त करना है तो बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, उस व्यक्ति को लाठी, डंटे और हथियार से ना मारिए, उसकी भाषा, संस्कृति और साहित्य से मार दीजिए, वो इंसान, वो समाज स्वतः नष्ट हो जाएगा। तो स्पष्ट झारखंड को नष्ट करने का प्रयास चल रहा है। इसलिए आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से झारखंड की जनता जनार्दन तक संदेश देना चाहेंगे कि आज आप लोग एकजुट होकर अपनी लड़ाई को लड़े, नहीं तो आने वाले दिनों में हमें एक अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को अपने स्वयं अपने हाथों से अपनी आंखों के सामने नष्ट होते हुए देखना होगा। किसी भी इंसान को अगर दमन करना है तो बहुत सारे चीजें होती है, लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो 3 चीजों में उसको डैमेज कीजिए, राजनीतिक डैमेज कीजिए, सांस्कृतिक डैमेज कीजिए, आर्थिक डैमेज कीजिए, वह इंसान, वह समाज, वह राज्य स्वतः नष्ट हो जाएगा। राजनीतिक डैमेज हम लोग नहीं हो पा रहे क्योंकि हमारी आबादी है, हमारे विधायक चुन के जा रहे हैं, हम लोग राजनीतिक डैमेज नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये लोग लगातार सांस्कृतिक डैमेज कर रहे हैं, भाषाई छेड़छाड़ कर रहे हैं, आर्थिक डैमेज हम लोग हो चुके हैं। आज अगर सांस्कृतिक डैमेज होता है तो कहीं ना कहीं हमारा पतन होगा। पहली बात मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, एक राजनीतिक व्यक्ति जब वो बात करता है तब वो हिंदू मुसलमान जाति धर्म पर बात करने से बचता है, लेकिन हम लोग आंदोलनकारी है, हम लोग हर विषय पर लॉजिकली बात करना चाहेंगे। सबसे पहले उर्दू की बात करें, आप किसी भी मधु मंसूरी की बात करें या फिर हमारे नागपुरी कलाकार मजबूल खान की बात करें, उन्होंने नागपुरी भाषा में गीत गाया है। यानी उर्दू राष्ट्रीय भाषा है। यदि राष्ट्रीय भाषा को क्षेत्रीय भाषा आप साबित करने में लगे हैं तो फिर कुड़माली, संथारी, मुंडारी, इसको अभी नेशनल लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं 1952 में जो पाकिस्तान से कटकर बांग्लादेश भी बना था, उस समय एक बहुत बड़ा हेडलाइन छपा था कि धर्म पर संस्कृति की विजय, इंटरनेशनल न्यूज बना था कि धर्म पर संस्कृति की विजय। यानी दोनों पक्ष मुसलमान थे लेकिन भाषा के आधार पर दो देश का निर्माण हुआ था। यानी भाषा का महत्व होता है, भाषा संस्कृति का आधार होता है। ठीक उसी प्रकार भोजपुरी, भोजपुर क्षेत्र की भाषा है, भाषा का हम सम्मान करते हैं। अंग की भाषा अंगिका है, मगही मगध क्षेत्र की भाषा है, हम उस भाषा का सम्मान करते हैं। लेकिन जो लोग, यह भी सत्य है
कि रांची, धनबाद, बोकारो में भोजपुरी बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है वे लोग प्रवासी हैं, और प्रवासी लोग काम करने के उद्देश्य आते हैं, वे व्यापार करने के उद्देश्य आते हैं, उनको यहाँ इस क्षेत्र में उनको भाषा, उनकी संस्कृति को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग भी महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारे लोग गुजरात में रहते हैं, हमारे लोग तमिलनाडु में रहते हैं, वे लोग एक प्रवासी के तौर पर वहां कार्य करने के लिए जाते हैं, किंतु उनकी भाषा का संरक्षण वहां नहीं दिया जाता है, और ये सही है और ये होना भी चाहिए। लेकिन अगर हमारे राज्य के साथ ऐसा होता है तो इससे क्या होगा, हमारी सांस्कृतिक विघटन होगा, और धीरे धीरे जो हमारे लोग हैं वो लगातार हास्य में जाएंगे। कुछ लोग, कुछ समुदाय, कुछ कबीला तो धीरे धीरे मिट भी रहे हैं, जिनमें असुरी, उनका आप इतिहास देख सकते हैं, असुरी जनजाति जिसने आज लोहा गलाने की प्रथा दुनिया को दिया, आज वो असुरी भाषा भी खत्म हो चुकी है, असुरी जनजाति भी खत्म हो चुकी है। तो इसलिए सरकार को अगर काम करना चाहिए तो झारखंड की जो भाषाएं हैं, चाहे क्षेत्रीय भाषाएं हैं, चाहे जनजातीय भाषाएं, उन पर काम करना चाहिए। लेकिन चूंकि आज भी राज्य को चलाने वाले लोग अन्य राज्यों से हैं, भले मुख्यमंत्री हमारे हैं लेकिन चलाने वाले लोग अन्य राज्यों के हैं, वे लोग कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे कि इस राज्य का विकास ना हो, इस राज्य का उन्नति ना हो, और वे अपने लोगों को यहाँ कैसे शिफ्ट करते हैं। तो इसलिए आज राज्य को सोचना चाहिए, राज्य की सरकार को सोचना चाहिए, और मीडिया बंधुओं के माध्यम से यह संदेश होगा कि ये भाषाई अतिक्रमण पर हम लोग बहुत जोरदार उलगुलान की तैयारी में हैं, और इस बार जो ये उलगुलान होगा ये इसकी अगुवाई स्वयं छात्रगण करेंगे, क्योंकि भाषा कहीं ना कहीं छात्र से रिलेटेड होता है, और हम लोग प्रयास सरकार का ये होना चाहिए कि केजी टू पीजी, पीजी से पीएचडी तक इन भाषाओं में हमारी जो भाषा है इन पर पढ़ाई कैसी होगी। आज माननीय शिक्षा मंत्री को भी संदेश देना चाहेंगे कि कोई भी भाषा अगर नष्ट होती है तो उसका सबसे पहला कारण है कि आप उसको रोजगार से नहीं जोड़ पाते हैं। आज अगर हमारे युवा अंग्रेजी, कंप्यूटर तथा अन्य भाषाओं की ओर अगर अग्रसित हो रहे हैं, उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, तो इसका कारण है रोजगार सृजन। तो इसलिए जब तक आप इन भाषाओं को, चाहे क्षेत्रीय भाषाएं हो या जनजातीय भाषाएं हैं, इनके माध्यम से अगर आप रोजगार सृजन नहीं करते हैं तो निश्चय ही उससे उनका मनमुटाव होगा, उन भाषाओं से हमारी दूरी होगी, और वो जब भाषा समाप्त होगी तो वो इंसान भी कुछ सालों में समाप्त हो जाएगा। मैंने कभी मीडिया के सामने इन बातों को नहीं रखा, लेकिन मैंने अपनी सभा में अक्सर रखा, मैंने बाहुबली फिल्म का जिक्र किया था। आप लोग भी चूंकि मीडिया जगत के लोग हैं, बाहुबली फिल्म को मैंने जिक्र इसलिए किया था कि बाहुबली फिल्म में जब पहली बार उस फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्री का दृश्य को मिलन होता है, उस समय एक पिंडारी शब्द का जिक्र आता है। आप लोग भी गौर फरमाइएगा, उस समय जब पिंडारी शब्द का जिक्र आता है, यानी यह केवल फिल्म का काल्पनिक पात्र नहीं है, आज से 220 साल पहले पिंडारी लोग भारत देश में रहते थे, इसी माटी में रहते थे, इसी माटी में खाते पीते थे, लेकिन आज पिंडारी समाज के, पिंडारी कबीला के एक भी लोग नहीं है। कारण उसकी भाषा समाप्त हो गई, कारण उनकी संस्कृति समाप्त हो गई, आज वे लोग भारत से समाप्त हो चुके हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।